पहली बात तो यह है कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनके सारे काम दिखावे के होते हैं, ये भी दिखावे वाला काम है, कुछ नहीं है। महिला सशक्तिकरण बिल के ऊपर चर्चा नहीं कर रही है मोदी सरकार, कब से 10 साल से हम मुद्दा उठा रहे हैं संसद में। कांग्रेस पार्टी जो बिल लाई थी उसको चर्चा करने लायक भी नहीं समझ रहे हैं, जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा चुनाव की राजनीति तक में, हर जगह संसद से लेकर सब तरफ, लेकिन उस पर ये चर्चा नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ मध्य प्रदेश में ये बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में रोजगार है कहाँ? मध्य प्रदेश में आप नौकरी कहाँ दे पा रहे हो? जब नौकरी ही नहीं होगी तो आरक्षण किस काम का होगा? बेरोजगारों की सेना बनती जा रही है और उसके बाद ये कहते हैं कि हम महिलाओं को भी आरक्षण देंगे रोजगार में। अरे आप आरक्षण तो बाद में देंगे, पहले तो रोजगार देंगे। जब रोजगार ही नहीं होगा तो आरक्षण किस काम का होगा? तो ये सिर्फ झूठी बातें हैं, झूठे दावे हैं, झूठी इनकी कानून की जिस तरह बनाने की काम है, इसका कुछ नहीं है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि हम तो कहते हैं पहले रोजगार के ऊपर आप व्हाइट पेपर ला के रखिए कि आप कितने रोजगार देने वाले हैं, कितने दे चुके हैं और कितने महिलाओं को देंगे। ये कोई पहली बात नहीं है विंध्य में, ये पहली बात नहीं है सीधी सतना रीवा में, इससे पहले भी कई बार मध्य प्रदेश के इन जिलों में ये देखा गया है कि लोग मजबूर हैं कई जगह के ऊपर ठेलों पे ले जाते हुए मरीज को, कई जगह पे बैलगाड़ी पे शव को ले जाते हुए, साइकिल पे शव को ले जाते हुए। एम्बुलेंस की कमी तो पहले से थी, सरकार छोटी मछलियों पर कार्यवाही कर रही है। इनकी जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही सरकार के मंत्री की है, जवाबदेही मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री अपने मंत्री पे कार्यवाही करें या सरकार अपने मुख्यमंत्री पे कार्यवाही करे, तब कुछ समझ में आएगा, तब कुछ हालात बदलेंगे। ये छोटी मोटी कार्रवाइयों से कुछ नहीं होगा। दोषी अगर एम्बुलेंस वाले हैं तो फिर सरकार में बैठे लोग भी। देखिए, रिजर्वेशन तो तब मिलेगा जब सरकारी पद निकलेंगे। पूरी सरकार आउटसोर्स पे चल रही है तो इस आरक्षण का जो है लाभ सिवा घोषणा के तो कुछ है नहीं। 15 लाख सबके खाते में आ चुके हैं, उसी तरह से सब महिलाओं को नौकरियां भी मिल जाएंगी। पहले पदों की घोषणा होनी चाहिए, रिक्तियों की घोषणा होनी चाहिए, उसके बाद आरक्षण का औचित्य है। अगर जो है रिक्तियां साथ में निकलती हैं, पोस्ट निकलती हैं और आरक्षण दिया जाता है तो ये स्वागत योग्य है। फाइन अपने आप में कोई दंड है क्या? ये तो जो है ब्लैकलिस्ट होने चाहिए, उनके जो उनको जो है वो पनिशमेंट मिलना चाहिए। आज जनता जो है इस अपेक्षा के साथ कि इमरजेंसी में उसके साथ जो है सरकार और उसके वाहन खड़े रहेंगे, अगर वहां पर वो फेल होती है तो ये तो किसी की जान की कीमत पे होता है ना। तो इसका दंड केवल फाइन थोड़ी है। ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं दूसरे राज्यों में, वो यहाँ पर जो है काम कर रही है। हेलो, माई सेल्फ सुरभि वर्मा और मैं भोपाल में रहती हूँ, जिसे आप जानते हैं। अभी मैं भोपाल में ही हूँ। बाकी जो गवर्नमेंट ने 35% आरक्षण जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, उसके लिए मैं बहुत मतलब खुश हूँ उसके लिए कि सारी लेडीजों को उन्होंने 35% आरक्षण दे दिया 33 से बढ़ा के। लेकिन सबसे मतलब बड़ी बात यह है, सबसे पहली पहल उनको करना चाहिए कि जो वैकेंसी नहीं हो पा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।